गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे अगेन आई विल डिस्कस द चैप्टर इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट एंड दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर। टुडे आई विल डिस्कस फैराडेज डिस्कवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल we will know about Michael Faraday and his discovery. So let's start. Michael Faraday is a great British physicist, was the son of a blacksmith. He could attend a day school only where he learned the basic ABCD of reading, writing and arithmetic. Michael Faraday, a great British physicist, was the son of blacksmith. Blacksmith means लोहार, जो लोहे का काम करता है. He could attend a day school only where he learned the basic ABCD of reading, writing and arithmetic. From age of 14 to 21, he worked as an apprentice in a bookbinder's shop. पे 14 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में बुक बाइंडिंग का काम करते थे. शुरुआत में बुक बाइंडिंग का काम वो सीखते थे, करते थे. ही वुड रीड बुक्स विच केम फॉर बाइंडिंग. उनके पास जो बुक आता था बाइंडिंग होने के लिए, उसी बुक को वो पढ़ते थे. विद द हम्बल बैकग्राउंड Faraday discovered a method of liquefying chlorine and benzene. गरीब फैमिली होने के वजह से Faraday discovered a method of liquefying chlorine and benzene. Faraday also discovered the phenomenon of electromagnetic induction, magneto ऑप्टिकल इफेक्ट एंड डायमैग्नेटिज्म विच वी विल स्टडी इन हायर क्लासेज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी इस क्लास में लेंगे. आई विल डिस्कस ए लिटिल लेटर. ही ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन 1857 विच I have already discussed in the previous class. It is his discovery of the phenomenon of electromagnetic induction that is one of the greatest gifts of science to mankind. Laws of electrolysis and phenomenon of electromagnetic induction, ये मनुष्य के इतिहास में एक बड़ा वरदान या गिफ्ट कहें ये रहा. आज जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित जितने भी आप चीजों को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आई विल डिस्कस. द वर्ल्ड सैल्यूट्स हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस ऑफ ऑल टाइम्स. ऐसे लोगों को हम लोग हमेशा याद करते हैं, दुनिया इनको याद करती है. सो लेट्स स्टार्ट. ए वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन वाज डिस्कवर्ड इन 1831 बाय माइकल फैराडे. 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने एक महत्वपूर्ण फेनोमेनन का खोज किया. ए सिमिलर डिस्कवरी इन दैट ईयर
वॉज मेड इंडिपेंडेंटली बाय जोसेफ हेनरी। जोसेफ हेनरी भी वही डिस्कवर किए जो माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया, एंड दिस फेनोमेनन इज नाउ द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट इट इज ऑफन सेड यस, हैड देयर बीन नो फैराडे नो हेनरी देयर वुड हैव बीन नो इलेक्ट्रिसिटी। आज फैराडे अगर नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता। इट इज द बिग डिस्कवरी ऑफ माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी। इन्होंने अनगिनत वर्क खोज किया। सो आई विल कंटिन्यू फॉर दिस टॉपिक। वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 7th द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स। दीज कैन बी व्यूड एज कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी इनटू मैग्नेटिक इनर्जी। क्लास 7th में हम लोग पढ़ चुके हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर से पास करते हैं तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आज आप जो देख रहे हैं इतने खोज, पंखा का घूमना, मोटर का यानी डीसी और एसी मोटर का वर्क होना, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही हो रहा है, और इट इज द डिस्कवरी ऑफ फैराडे। Faraday's discovery was in a way the reverse of these magnetic effects of current. He showed that we can get electricity from magnetism. It means Faraday's ne electricity pass karke magnetic field produce karwaya. Just iske vipreet, that we can say vice versa. इन्होंने यह भी दिखाया, ही शोड दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। आज शादी विवाह में जो जनरेटर यूज किया जाता है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। सो वी विल अंडरस्टैंड बाय एन एक्टिविटी। See the activity to understand Faraday's discovery. Let us perform the following activity. See here a cylindrical and on which copper wire, insulated copper wire is wounded. So start. At first, we will take a hollow cylindrical pipe of iron. You can see that is the cylindrical pipe of iron, yani soft iron, and wind. That means lapetna, and wind a large number of turns of well insulated copper wire on it. इस सॉफ्ट आयरन पर, सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन पर हम क्या करेंगे? इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैपिंग करेंगे यानी लपेट देंगे। क्लीन द टू एंड्स ऑफ द वायर एंड अटैच ए टॉर्च बल्ब। यू कैन सी एक एंड को और दूसरे एंड को हम एक होल्डर के साथ बल्ब लगा देंगे या एलईडी लगा सकते हैं। नाउ take a strong bar magnet, you can see bar magnet, and we will move it rapidly towards the center of the pipe. इस magnet को, इस cylindrical क्या है? Hollow cylindrical है। इसके हम आगे पीछे हम बहुत तेज गति से inwards and outwards move करवाएंगे। It rapidly towards the center of the pipe without touching. What do you observe?
यू विल फाइंड दैट बल्ब ग्लोज। आप देखेंगे कि जब ये रैपिडली आगे पीछे जब करेंगे, यू कैन मूव रैपिडली इनसाइड द सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ आयरन, यू विल फाइंड दैट बल्ब ग्लोज। हाउएवर इट ग्लोज ओनली फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए जलेगा, एंड स्टॉप ग्लोइंग एज सून एज मैग्नेट इज स्टॉप। जैसे ही मैग्नेट को आप स्टॉप कर देंगे, बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। इफ वी नाउ विड्रॉ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द क्वाइल, वी फाइंड दैट द बल्ब अगेन ग्लोज अप मोमेंटरली। वी आर दस गेटिंग electricity through the this motion of the magnet near through a coil। अगर आप इस मैग्नेट को कंटिन्यूअस आगे पीछे करते रहेंगे तो बल्ब जलता रहेगा। अगर इस मैग्नेट को स्टॉप कर देंगे, मूव करना बंद कर देंगे, तो बल्ब भी ग्लो होना बंद हो जाएगा। सो वी विल कंक्लूड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिक करेंट कैन बी जेनरेटेड, द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिक करेंट कैन बी जेनरेटेड बाई ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हम लोगों ने जो एक्टिविटी देखा समझा, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज based on a series of experiments carried out by Joseph Henry and Michael Faraday। Joseph Henry और Michael Faraday ने बहुत सारे experiment किए, a series of experiment carried out by Faraday and Henry। Their experimental observation can be summed up as follows। Whenever there is a relative motion between a magnet and a coil, that is a part of an electric circuit, a current flows through the coil। अभी हम लोगों ने जो एक्टिविटी देखा उसी एक्टिविटी पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड है। हम लोगों ने जो देखा उसे कौन कौन से बातें निकल करके आई, वी विल कंक्लूड दैट व्हेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड ए क्वाइल, मैग्नेट और क्वाइल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है, दैट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट वी कैन से दैट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड ए करेंट फ्लोज थ्रू द क्वाइल। और आपने देखा कि क्या देखा, यू विल फाइंड दैट बल्ब ग्लोज। सेकेंड पॉइंट, द फ्लो ऑफ करेंट स्टॉप्स एज सून एज द मैग्नेट एंड द क्वाइल आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर क्वाइल या मैग्नेट किसी में से, इन दोनों में से किसी एक को भी हम स्टॉप कर देते हैं, द करेंट विल ऑल्सो स्टॉप। द फ्लो ऑफ करेंट स्टॉप्स एज सून एज द मैग्नेट एंड द क्वाइल आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू इच अदर। अगर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में अगर आ जाता है तो करेंट फ्लो होना बंद हो जाएगा एंड बल्ब does not glow। Third point, the faster is the relative motion between the magnet and the coil, the more is the current
दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल. द फास्टर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल. जितने तेज गति से, जितने रैपिड मोशन में हम मैग्नेट को कॉइल के तरफ मूव करवाएंगे, द मोर इज द करेंट. करेंट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा दैट फ्लोज थ्रू द कॉइल. और बल्ब में रोशनी, बल्ब की इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? ज्यादा होगा, मोर होगा. लास्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ करेंट ऑब्टेंड बाई मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल इज ऑपोजिट टू इट्स डायरेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल. द डायरेक्शन ऑफ करेंट ऑब्टेंड बाई मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल इज ऑपोजिट टू इट्स डायरेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल. अगर एक्टिविटी में जहां पर हमने एलईडी का यूज किया था, एलईडी की जगह पर हम अगर गैल्वेनोमीटर का यूज करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर? टू डिटेक्ट, टू प्रेजेंस, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करेंट. द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करेंट. गैल्वेनोमीटर करेंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी उसके प्रेजेंस को बताता है. एंड द लास्ट पॉइंट सेज दैट डायरेक्शन ऑफ करेंट, गैल्वेनोमीटर में एक इंडिकेटर होता है जो जैसे वोल्टमीटर में होता है, इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से दाएं बाएं लेफ्ट राइट मूव करेगा. तो हम अगर मैग्नेट को आगे पीछे मूव अगर करते हैं तो गैल्वेनोमीटर भी, गैल्वेनोमीटर में जो इंडिकेटर होगा वो भी लेफ्ट राइट मूव करेगा, विच वी विल डिस्कस इन हायर क्लासेज. आप गैल्वेनोमीटर को हायर क्लासेज में पढ़ोगे, जानोगे. तो डायरेक्शन ऑफ करेंट ऑब्टेंड बाय मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल इज ऑपोजिट टू इट्स डायरेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल. तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगा जब आप आगे पीछे रैपिडली मोशन में कॉइल के अंदर मूव करोगे. सो द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर्म्स द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल मॉडर्न डे जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर. आज जो हम लोग जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर जो देखते हैं, दैट इज द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट वर्क्स ऑन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. द जनरेटर्स विच हेल्प अस टू कन्वर्ट मैकेनिकल इनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल इनर्जी. आप शादी विवाह में देखे होंगे जनरेटर को, जब लाइन कट जाती है, बिजली चली जाती है, तो जनरेटर को एक हैंडल से घुमाया जाता है, मूव करवाया जाता है, और दैट कन्वर्ट मैकेनिकल इनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल इनर्जी. टूडेज सिविलाइजेशन ओज इट्स प्रोग्रेस टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट टू द डिस्कवरी ऑफ दिस फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, थैंक यू.